टू टाइप के होता है, फास्ट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन। तीस अभिक्रिया एंड धीमी। Is known as fast reaction. The reactions happened too fast, just like ionic reaction is known as fast reaction. Az plus H NO3 nitric acids. हम जानते हैं ये H plus होता है, NO3 पे minus charge होता है, क्या होगा ये माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा Ag के साथ, क्या बन जाएगा AgNO3 plus H2O गैस इन्वॉल्व होने लगेगा। समझ में आया? आयनिक रिएक्शन हिंदी में यहां पर लिख रहा हूं वह अभिक्रिया जो बहुत तेज होती है, जैसे आयनिक अभिक्रिया, उसे तेज अभिक्रिया कहते हैं। ये बुक में नहीं मिलेगा बाबू, ओनली फॉर जानकारी, ये एग्जांपल लिख लेना, ठीक है? समझ में आ रहा है? स्लो रिएक्शंस, द रिएक्शंस विच हैपेंड टू स्लो इन रियल लाइफ इज नोन एज द स्लो रिएक्शन। द रिएक्शंस which happened very slow is known as slow reaction. For example, rusting of iron. Rusting of iron या conversion of main into the third एक ही दिन में हो जाता है क्या? होता जाता है एक ही दिन में, टाइम लगता है भैया, बहुत टाइम लगता है। Converting of milk into curd, समझ में आया? लिख दे रहा हूं यहां पर, वह अभिक्रिया जो बहुत धीमी होती है उसे धीमी अभिक्रिया कहते हैं, कहते हैं। उदाहरण के लिए नीचे है जंग लगना, उदाहरण लिख लो, लोहा में जंग लगना दूध से दही बनना, समझ में आ रहा है? समझ